बस हो गया तमाशा, रोक दो ये ब्याह। सुधीर जी कहाँ हो गया? अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे हम लोग कह दिया ना, ये ब्याह नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। और पंडित जी अपना मंत्र मंत्र बंद कीजिए और अपना कोठी पत्रा उठाइए और तुम का धरती मैया से चुपके बैठे हो। अरे चलो दामा जी बैठे बैठे। संदीप जी कहाँ कह रहे हैं आप ये सब? अगर कोई गलती हो गई है स्वागत सत्कार में तो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आपसे। अरे आप काहे माफी मांग रहे हैं? अरे माफी तो हमें मांगनी चाहिए क्योंकि ये रिश्ता हम तोड़ रहे हैं। और वैसे भी थोड़ा बहुत अगर इज्जत है ना इस गांव में तो ये बारात वापस जाने से बेइज्जती हो जाएगा क्योंकि तुम कर्म ही कुछ ऐसा किए हो। कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हो, क्या गलती हो गई हमसे? सूरत तो ऐसा बना लिए हो कि जैसे कुछ जानते ही ना हो। आइए हमारे साथ। देखे अरे नया स्कूटर का बात किया था और हमको पुराना स्कूटर थमा दिया। और आपको क्या लगा कि हमको ये बात पता नहीं लगेगा? समझी जी ये आप क्या कह रहे हैं? इस स्कूटर हम खुद जाके शोरूम से जाके लेके आए हैं, वो भी पूरा पैसा नगद जमा करके। समझी जी हम अपनी बिटिया का पुराना स्कूटर काहे देंगे? ये बात ही तो हमारे दिमाग में नहीं धस रही कि कौनो बाप ऐसे कैसे कर सकता। भोले बाबा की सौगंध खा के कह रहे हैं एकदम बिल्कुल नया स्कूटर लेके आए हैं। अच्छा नया है तो फिर इका ये शीशा कहाँ गया और ये जो खरोच है ये कहाँ से आ गई इस पे? बोलिए। अरे बोलिए ना। अरे काहे नहीं बोलते? अरे आपका सांप सूंघ गया। अरे तुमरा चुप्पी में ही तुम्हारे मन का खोट बयान कर रहा है। अरे सुनती हो? अरे आपका तुमको भी स्पेशल निमंत्रण देना पड़ेगा। अरे चलो उठाओ चलो बारात वापस लेके चलो। हम आपके पैर पड़ते समझी जी, हम भीख मांगते हैं आपसे अपनी बिटिया की खुशियों की। मत जाइए ऐसे बारात लेके समझी जी। अरे भाई हम भी कोई दानी धर्मात्मा तो है नहीं कि तुमको इतनी बड़ी भीख दे दे। और फिर पुराना स्कूटर देने से पहले सोचना था ना। चलो हम जी शांत रहिए, क्रोध और आवेश में आके कोई निर्णय मत लीजिए। जिस तरह से आपकी बिरादरी में आपका मान सम्मान है उसी तरह से इस गांव में रामबचन का मान सम्मान है। रामबचन उठो। देखिए शांतिपूर्ण बातचीत से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। पूरे सम्मान के साथ गिरधारी जी को अंदर ले जाओ और बातचीत पूरी करो। समझी चलिए समझी जी। अरे आप भीतर जाकर क्या करेंगे? हम जो कर चुके कर चुके, अब कुछ नहीं हो। दो मिनट के लिए भीतर चलिए। अरे जीजे चलो अब जाके देख भी लेते। चलो ना आओ आइए देख ले। चलो आ जाए आइए ना। चलिए चलो जीजे चलो भाई इलाजू। तुम काहे यहाँ डोल रही हो? बैठ जाओ कुछ चाहिए? पुट्टी बाहर हल्ला गुल्ला काहे मचा हुआ है? क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और देखो जो कुछ भी है वो सब बड़े लोगों की बात है, वो लोग सब निपटा लेंगे। हैं ठीक है नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। हम कोई मरे नहीं जा रहे तुमसे जानने के लिए, हम खुद भी जान सकते हैं।
हम जाएंगे देखने। लाजो, हम तुमसे बोल रहे हैं ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारा ये बखत बाहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो तुम यहीं बैठो और बाहर बिल्कुल नहीं आओगी, ठीक है? हम देख के आते हैं। देखा देखा तुम लोग ने वो तमाशा इनसाइड? Man, how can they behave like this, yeah? How? वो दूल्हा, उस उल्लू ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा, सब देखा। उसका वो स्टूपिड से कजिन, पता नहीं कहाँ से दिमाग आया, पता नहीं स्कूटर की डिटेल्स ले आया कहीं से। मेरे पास में होता ना, I would have gone to him and चोर का चाटा मार कर आ जाता। सही है, सही बोल रही तो एकदम। यार, अगर हमारे दिल्ली में होते ना, मैं बताता उनको। पुलिस को अब तक फोन कर चुका होगा भाई। थोड़ा धीरे, और ये क्रांति कम कर ले, और अपने प्रवचन भी। चुपचाप बैठ। क्या हो भेजा? यहाँ तो शोर शराबा हो रहा था यार, इतनी शांति क्यों? यार कुछ नहीं यार, वो लाजो का ससुर है ना, कमीनापन कर रहा है, बोल रहा है स्कूटर सेकेंड हैंड है, इसीलिए परत वापस लेके जाएगा। वो बकवास कर रहा है लिटरली बुढ़ाऊ, कह रहा हूँ तेरे को कुछ नहीं करेगा वो। ये सिर्फ उसकी सिचुएशन का फायदा उठा के ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है ताकि और पैसे ऐड सके। यार वैसे भी लाजू के माँ बाप एक्सपीरियंस है ना कुछ इमरजेंसी के लिए बचा के रखा होगा। जस्ट चिल गाइस, बारात वापस नहीं जाएगी। हो गया तेरा, तो तुझे क्या लगता है यार लाजू के माँ बाप ने पैसे जमीन में गाड़ के रखे अंदर? जो था जितना था सब लगा दिया उन्होंने, पता अगर ये दूल्हे का बाप अड़ा रहा ना अपनी जिद पे, बेचारे बस हाथ जोड़ते रह जाएंगे। I just hope यार सब ठीक हो जाए। ऐसे अगर दुहारे से बारात लौट जाएगी तो हमारी बिटिया की जिंदगी खराब हो जाएगी संधि जी, कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग, नाक कट जाएगी हमारी बिरादरी में अगर हमारी बिटिया का ब्याह ऐसे टूट गया तो। ये तो सेकंड हैंड स्कूटर देने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हारी बिटिया को रखो अपने घर। संधि जी हमारी लाजो ने कैसा कैसा सपना सजो लिया था ये ब्याह की खातिर, उसके इन सपनों पर एक ही झटके में गाज गिर जाएगी। चल दी, ऐसा ना करिए। मां साहब आप समझाइए ना समधि जी को, ये हमारी बातें नहीं मान रहे कि वो स्कूटर नया लेके आए हैं हम। राम बचन, गिरधारी जी मान जाएंगे और लाजो का ब्याह भी हो जाएगा। तुमने जब स्कूटर खरीदा तो तुम्हें कुछ कागजात भी मिले होंगे? हाँ हाँ मां साहब, जाओ ले आओ। मिले, अलमारी में रखे। मां साहब ये रहे वो कागज, अभी 4 दिन पहले खरीदा है। राम बच्चन हमें नहीं इन्हें दिखा। और हाँ जीजा, तुम्हें तारीख, नंबर, दाम और कंपनी का नाम तो साफ साफ लिखा है। और ये बिल है ना, ये बिल लाजू के नाम पर ही कटा जीजा। पर घंटी हमारे दिमाग में नहीं बज रही। चलो मान भी लिया जाए कि ये सच बोल रहे हैं, पर समझ में नहीं आता कि स्कूटर टूटा कैसे। समझी जी, आप लोग तो जानते ही हो कि हमारे गांव का रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है, हमका स्कूटर चलाना आता नहीं है, तो कंपनी का आदमी खुद ही चला के लाया और रास्ते में थोड़ा बहुत टूट फूट हो गई गाड़ी में, हमसे माफी मांगे लगा और थोड़ी बहुत मरम्मत करके ये कह के बाहर आंगन में स्कूटर खड़ा कर गया कि हम कहीं उनकी शिकायत जाके वहाँ शोरूम मन कर दें। समझी जी, हमका तरस आ गया ऊपर, हमको नहीं मालूम रहे बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। संधि जी, अब जीजा अब हमको बुझा रहा है, ये जो कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं। अब जीजा देखो, इतनी छोटी सी बात के लिए रिश्ता तोड़ना उचित नहीं है। अब फिर
समधी जी तो कह रहे हैं ना कि वो गाड़ी का मरम्मत करा के देंगे। कहा समधी जी मरम्मत करा के देंगे ना? हम दे देंगे मरम्मत के साथ, हम सारा पॉलिश वालिश करके नया बत्ती नया शीशा सब लगवा देंगे। गिरधर जी अब तो हो गई ना तसल्ली आपको? तसल्ली भी हो गई और विश्वास भी। ठीक है हाँ। तो चले कार्यक्रम? चलिए चले जी आइए चलो। बाबूजी लाए हैं हमरा दूल्हा के लिए। अरे तुम कहीं बैठी हो, खराब हो जाएगा। काहे हमरा दूल्हा के लिए लाए हैं ना तो हम नहीं बैठ सकते का? हमारा ही हुआ ना ये तो। ये आयशा जो शादी से पहले रात रात भर भर रहती है, शादी के बाद ससुराल में प्रॉब्लम्स होंगी, तुम उसे कुछ समझाते क्यों नहीं हो? इंदर आपकी बेटी की शादी किसी गांव वाले से नहीं हो रही है। मॉम ने ये रिश्ता बहुत सोच समझ के तय किया। क्या सोच समझ के तय किया? इंदर अब आप ये बात कहीं और लेकर जा रहे हैं। नहीं मैं इस बात को वहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ ये बात होनी चाहिए। I didn't get it. बरखा बात बहुत सिंपल है। अब इस तरह की शादी मतलब ये लड़का लड़की का मिलना मिलाना, ये वेडिंग प्लानर, ये सब कौन करता है? ये हमारे यहाँ नहीं होता है। इंदर आज के जमाने के मुताबिक जो कुछ भी होता है वो आपको अच्छा नहीं लगता है? What's wrong with you? What is wrong with me? हम दिल्ली में रहते हैं इंदर, सोनबरसा में नहीं। लेकिन है तो हम सोनबरसा से ही ना? आप सोनबरसा से हैं, मैं और मेरे बच्चे नहीं। Don't take stress. सुबह ऑफिस भी जाना है, जाके आराम कीजिए और मैं इंतजार कर रही हूँ ना यहाँ। जब आयशा आ जाएगी तब जाके रेस्ट कर लूंगा। जवान बेटी घर बेटी की चिंता है पर जवान बेटे की चिंता नहीं है जो इतने दिनों से सोनबरसा में बैठा हुआ है। बरखा सोनबरसा हमारा घर है, निखिल अपने घर में है, आयशा देर रात तक बाहर रहती है। प्लीज बरखा अपनी बात को सही साबित करने के लिए ऐसी वैसी लॉजिक मत दिया करो। मैं तो भूल भी चुका हूं कि सोनबरसा में मेरा घर भी है। सच्ची सब कुछ भूल गया हूं मैं, मेरा घर है वहां, मेरे एक बूढ़े पिताजी हैं, अनुराधा मेरी बहन, सब कुछ भूल गया हूं मैं। लेकिन कम से कम निखिल तो नहीं भूला ना? विवाह की प्रारंभिक विधि तो संपन्न हुई, अब बाकी की शुभ विधि के लिए कन्या को मंडप में बुलाइए। जी। अरे ओ कुत्ती ले आ लाजो को। लाजो चलो जल्दी से, पंडित जी बुला रहे। हाँ लाजो बिटिया जल्दी चलो, वैसे सब तमाशा के चक्कर में बहुत देर हो गया है, शुभ घड़ी निकलने से पहले ब्याह का सब मुहूर्त पूरी करना जरूरी है। चल पहले वधू वर को वरमाला पहनाएगी।
लड़कियां यहां कहां जा रही हो? बाबूजी, हम जो करने जा रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। छोड़िए हाथ ला जो। अरे ये क्या कर रही है? पगला गई है क्या? होश में है कि नहीं? चलिए पकड़, चल बिटिया चल। अरे काहे अपनी बिटिया को डांट रहे हैं? अरे अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। भोले बाबा ने ना लाज रख ली लाजो की बस। अच्छा सुन, तुम ये सब छोड़ दो, हम संभालते, तुम जाके पूजा में बैठो। लाओ ले। माई जल्दी बाहर चलो, वो दीदिया ने कहा भैया? कहा क्या जीजा ने? माई कहा हुआ बता ना। अरे हमरी तो मती मार गई थी कि तो तुम्हारी बातों में आकर ये रिश्ते में आ गए। बिटिया चल मंडप पे चल, चल चल। कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी, कहीं नहीं जाएंगे। हम देख रहे हैं कि जब से ब्याहते हुए ना ये कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, कभी रुपया, कभी सोना, कभी पैसा, कभी घर का चीजें, तो कभी स्कूटर। अगर आपकी नजर में स्कूटर का हमसे ज्यादा मोल है ना, तो मेरी नजर में भी आपके बेटे से ज्यादा स्कूटर का ही मोल है। स्कूटर का ही मोल, स्कूटर का ही मोल, स्कूटर का ही मोल, स्कूटर का ही मोल, स्कूटर का ही मोल। इसलिए कर लिया हम स्कूटर से शादी, कर लिया हम स्कूटर से शादी, हम स्कूटर से शादी। चुप कर बिटिया चुप कर, ये तू कहां भके जा रही है? तो हर ब्याह हो रहा है, चल बिटिया मंडप में चल। नहीं बाबूजी, हम जो भी बोले वो सोना आने सही बोले। आप जानना चाहते हैं ना कि स्कूटर कौन तोड़ा है? हमरे बाबूजी झूठ बोले थे हमरी इज्जत बचाने के लिए, स्कूटर तो हमसे टूट गया। गलती हो गई हमसे, बस चलाने निकले थे और सीसा बत्ती सब टूट गया हमसे। पर स्कूटर तो पॉलिश होके फिर से चमक जाएगा, बिल्कुल नया हो जाएगा। लेकिन आप जो गंदगी मचाए हैं ना, कि दुनिया का कोई भी पॉलिश साफ नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे कितना खूबसूरत भाषण देती है। अरे ये भाषण तो हम कभी नहीं सुने। अरे तुमको भी धन्यवाद कि जो हमरे घर, अपने घर में बुलाकर हमारी इच्छा उतारी। अरे नहीं करना ब्याह, चलो बाबा। अरे चलो, हम लड़की वाले हैं, दरवाजे से परात चली जाएगी, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। रोको उनको, समझे जी? चलो रोको उनको, समझे जी? चलो समझे जी, समझे जी, समझे जी। अरे बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी रुक जाइए। बाबा जी, बाबा जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं आपसे। हमारी बिटिया ने जो कुछ कहा सुना है उसके लिए हमको माफ कर दीजिए। अपने बाबूजी को समझाइए ना, ऐसे हमने दोबारे से बारात नहीं खेलना चाहिए बाबा जी। के पाँव पड़ते बाबा जी। हम बर्बाद हो जाएंगे बाबा जी। अरे अब घुटने टेकने से कुछ ही नहीं होगा। अरे ये सब पहले सोचना था। अरे चला यहाँ से। बाबा जी।